खबर यूपी से है, जहां माफिया अतीक अरशद गैंग के दो गुर्गे राशिद और फुरकान बरेली से गिरफ्तार हुए हैं और इनमें राशिद सपा नेता लल्ला गद्दी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। जेलबंद अरशद से राशिद और फुकरान ने कई बार मुलाकात की है। साथ ही पुलिस टीमों ने बरेली के फाइक एनक्लेव कॉलोनी में इस मकान की तलाशी ली, जहां जेल में बंद अरशद का साला सद्दाम का ठिकाना बनाकर रहता था। बरेली में केस दर्ज होने के बाद से सद्दाम और सपा नेता मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी फरार है। तो बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां माफिया अतीक अरशद गैंग के दो गुर्गे राशिद और फुरकान बरेली से गिरफ्तार हुए हैं और इनमें राशिद सपा नेता लल्ला गद्दी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। जेल में बंद अरशद से राशिद और फुरकान ने कई बार मुलाकात की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि जेल में बंद अरशद से राशिद और फुरकान ने कई बार मुलाकात की थी। पुलिस टीमों ने बरेली की फाइक इनक्लेव कॉलोनी में उस मकान की तलाशी ली, जहां जेल में बंद अरशद कसाला सद्दाम का ठिकाना बनाकर रहता था। बरेली में केस दर्ज होने के बाद से सद्दाम और सपा नेता मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी फरार हैं। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है पर जो अभियुक्त सद्दाम है यहाँ पर किराए पर रहता था और इस संबंध में एक 420 467 68 का मुकदमा थाना बारादी पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें बिना किसी आईडी के और बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के ये व्यक्ति रह रहा था, जिसमें मकान मालिक के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। उसी घर में जो कि सीन ऑफ क्राइम है और जिस फ्लोर में सद्दाम रहता था उसको सील करने की कार्रवाई विवेचक द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त बाइक इनक्लेव स्थित जितने भी घर हैं उन घरों में जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो रेंट पर रहते हों या अतिरिक्त, उन सबका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है कि कोई गैर घर में इन कॉलोनी में नहीं रह रहा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, क्या अधिक जानकारी? उदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रयागराज कांड की साजिश बरेली जेल में रचे जाने की जानकारी सामने आते ही यूपी में एसटीएफ की टीमों ने बरेली में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और एसटीएफ ने माफिया गैंग के मददगारों की धरपकड़ शुरू कर दी। माफिया अतीक का गुरका सपा नेता लल्ला गद्दी और अशरफ का साला सद्दाम बरेली में केस दर्ज होने के बाद फरार है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि सपा नेता लल्ला गद्दी और सपा के एक पूर्व मंत्री ने अशरफ के साले सद्दाम को मुस्लिम खुशबू एनक्लेव कॉलोनी में मकान दिलवाया था। पूर्व मंत्री के परिवार की युवती सद्दाम से मिलने अक्सर वहां आती देखी जाती थी। बताया जाता है कि सद्दाम से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। इसी को लेकर आज एसआईटी की टीम ने पूरी तरीके से उस कॉलोनी को घेरा और वहां पे छापेमारी का काम किया और मकान पर तालाबंदी की। भी फरार बताए जा रहे हैं, उनको कब तक पुलिस गिरफ्तार करने की बात कर रही है? इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और जहां भी अतीक अहमद की गैंग के तार जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। शशांक, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो माफिया अतीक अरशद गैंग के दो गुर्गे राशिद और फुरकान बरेली में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें राशिद सपा नेता लल्ला गद्दी का रिश्तेदार बताया जा रहा है।